हे मोला मिश्रो, वेलकम टू मेडिक्स अकादमी। तो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसके नाम को हम लोग स्पीड कर देंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको हम लोग स्पीड करेंगे तो ये आएगा ट्रायंगल प्लस मेट्रा। ट्रायंगल जैसे कि पॉलीगन होता है, हेक्सागन, हेप्टागन होता है, उसी तरह से अगर ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे तो ये होता है एक पॉलीगन हैविंग थ्री साइड एंड मेट्रन होता है मेजरमेंट। सो बेसिकली इसके नाम से ये पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ साइड्स of a triangle. That is branch of mathematics which deals with measurement of sides of a triangle. अगर थोड़ा सा इसको change करके हम लोग देखेंगे तो trigonometry और भी हो सकता है कि ये tri plus gunan plus matra। इसको ऐसे ले सकते हैं, tri मतलब three, gunan मतलब एंगल एंड मेट्रन मतलब मेजरमेंट। दैट मींस द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज डील्स विद मेजरमेंट ऑफ साइज एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। सो तो इससे ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई हो सकता है क्योंकि इसमें ट्राई दिया हुआ है। तो ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल के ऊपर ही हो सकता है। बट अगर हम लोग देखेंगे कोई भी पॉलीगन हो गया, जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो अगर इसको हम लोग एक डायगोनल जॉइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। एक पेंटागन है, लेट एक पेंटागन है, तो इसका अगर हम लोग दो डायगोनल जॉइन कर रहे हैं तो भी ये पूरा का पूरा ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, हम लोग ट्रायंगल के साथ साथ कोई भी फिगर, कोई भी पॉलीगन इसको हम लोग ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके जरिए ट्रिग्नोमेट्री के जरिए हम लोग कैसे इसका साइड निकाल सकते हैं। पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल जो है इसका साइड के बीच में रिलेशन क्या है। अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसके बीच में जो साइड है, साइड के बीच में क्या रिलेशन है। बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कोई भी ट्रायंगल में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारे क्लास टेन का सिलेबस जितना तक है वहां ज्यादा हम लोग देखेंगे तो ये सिर्फ 90 डिग्री, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, उसी में ही अप्लाई कर सकते हैं आगे के लिए। तो लेट ये एक ट्रायंगल होगा ए बी सी और ये भी ए बी सी। तो इस केस में हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे। पहला देखते हैं रिलेशन बिटवीन द साइड्स, रिलेशन ऑफ साइड्स। दो टाइप का रिलेशन है, उसमें से एक पहला पार्ट है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम लोग पहले से पढ़े हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पहले से पढ़े थे और अभी जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या था, उसमें पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा हम लोग वर्टिकल साइड जो था उसको हम लोग ले रहे थे हाइट, एंड द हॉरिजॉन्टल साइड जो था उसको ले रहे थे बेस, एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज डायगोनल। बट अभी ट्रिग्नोमेट्री में ये थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जो ये हाइट है इसको हम लोग लिखेंगे
जो हाइट है इसको हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर जो बेस है वही सेम बेस ही रहेगा और इसका सरफेस भी इसका बेस नेक्स्ट जो तुम आपका डायगोनल था वो होगा हाइपोटेन्यूस उसको हम एक लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो जिस एंगल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसी एंगल का फ्रंट साइड इसका अपोजिट साइड हमें हमेशा होगा परपेंडिकुलर लाइक अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे अगर इसको मैं थीटा ले रहा हूं तो इसका जो अपोजिट साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर दैट मींस दोनों सेम ही ट्रायंगल है बट इसमें हम लोग एंगल कंसीडर किए सी एंगल इसमें कंसीडर किए ए एंगल अगर ए एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसका इसके लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी बट अगर सी एंगल को थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर होगा AB अगर ये हो गया परपेंडिकुलर लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस एंड द रेस्ट साइड इज बेस ठीक है नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन रिलेशन क्या था पहले हम लोग पढ़े थे क्या d स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो इसमें से रिलेशन क्या निकलेगा एक हो गया एच के लिए जो कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इससे हम लोग बी स्क्वायर निकालेंगे बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेक्स्ट अगर बी स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सिर्फ b निकाले तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम तो इसको बेस करके लेट कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं लेट एक ट्रायंगल में ये गिवन है कि c एंगल इज थीटा p हो गया AB ये हो गया हाइपोटेन्यूस ये हो गया बेस लेट परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द हाइपोटेन्यूस तो फार्मूला के हिसाब से हमारा हमको क्या मिलेगा फार्मूला के हिसाब से जो दिया हुआ है क्या है x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर So, square root of p का कितना है 5 square plus b का square 12 square equal to ये हो गया कितना ये हो गया 25 ये हो गया 144 total हो गया 169 अब 169 का square root हम लोग करेंगे कितना तो एच हो जाएगा कितना 30 नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें p इक्वल टू दिया हुआ है 69 b दिया हुआ है 92 अब h के लिए हम लोग क्या करेंगे h का जो वैल्यू निकलेगा ये कैसे निकलेगा इसमें छोटा छोटा वैल्यू था इसीलिए हम लोग इसको पूरा स्क्वायर निकाले बट इसमें क्या है इतना बड़ा बड़ा दिया हुआ हम लोग अगर इसको इसके स्क्वायर निकाल के इसका वैल्यू निकाल के और उसके लिए फिर स्क्वायर रूट निकाल के लाइक ये क्लास 10 या हमारे क्लास एग्जाम के लिए मैं भी ये बेटर हो सकता है इसमें मार्क मिल सकता है बट हम लोग इसको अगर ओलंपियड में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा इसमें टाइम देखिए इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसके लिए इतना ज्यादा ये टाइम लेगा कि हमारे पास उतना टाइम नहीं बचेगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो देखते हैं हम लोग एक साथ साथ एकेडमी पढ़ेंगे उसके साथ साथ कुछ
सवाल ऐसे होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा जिसके लिए हम लोग ओलंपियड या तो हायर कुछ एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए हमको कुछ याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन लाइक पी हो गया, एक बी हो गया, एक एच हो गया, तो मैं कुछ टेबल दे रहा हूं, उस टेबल में पांच या कुछ एलिमेंट्स हैं, उसमें जितना मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा जो भी आएगा, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ 90% क्वेश्चन इसी में से आएगा। जैसे कि हो गया थ्री, अगर परपेंडिकुलर थ्री हुआ या बेस फोर हुआ तो ये हमेशा फाइव होगा, जैसे ये फाइव हुआ, ये ट्वेल्व हुआ तो ये ऑलवेज थर्टीन होगा। नेक्स्ट अगर ये सेवन हुआ, ये 24 हुआ तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 25 होगा। नेक्स्ट अगर परपेंडिकुलर 8 हुआ, ये 15 हुआ बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 17 होगा। नेक्स्ट अगर ये परपेंडिकुलर 9 हुआ, ये हो गया 40 हुआ, तो ये हमेशा 41 होगा। मैक्सिमम विद इन क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी पांच में से आता है। तो थोड़ा सा इसको अगर याद रख लेंगे तो ये जो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो कैसे ये सॉल्व होगा, इसको कैसे हैंडल करेंगे, देखो इसमें से क्या है, ये जो 3 4 5 है, 3 4 5 के लिए वैलिड है और इसका मल्टीपल्स के लिए भी वैलिड है। जैसे कि इसका मल्टीपल्स अगर मैं देखूं, अगर 3 4 5 के लिए ये वैलिड है तो ये 6 8 एंड 10 के लिए वैलिड है, वैसे 12 16 एंड 20 के लिए वैलिड है। तो उसी हिसाब से अगर इसमें देखेंगे, ये 69 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 23 3, ये क्या हो सकता है 23 4, दैट मींस इसमें अगर 3 मिला, इसमें 4 मिला, दैट मींस लास्ट मस्ट बी 5, सो ये क्या हो जाएगा 23 5 115। तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाल के करेंगे तो ये बहुत टाइम लगेगा, बट इस प्रोसेस में करेंगे तो ये थोड़ा सा बहुत कम टाइम लगता है, जल्दी निकल जाएगा और आसानी से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, टाइम भी लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, उसमें से ये दिया हुआ है 26, ये दिया हुआ है 24, तो बड़े बीस बीसी का है। तो वही सेम प्रश्न, अगर हम लोग इसको स्क्वायर निकालेंगे टाइम तो लगेगा, जो कि अगर हम लोग एकेडमी में प्रिपेयर कर रहे हैं स्क्वायर से निकाल के आराम से कर सकते हैं, पर इसके लिए अगर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 24 है और 26 है, ले इसको मैं क्या कह सकता हूं, 24 को ये हो सकता है 12 × 2 × 2, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 30। तो हमारे जो ट्रिपेट्स था, ट्रिपेट्स के हिसाब से क्या हो गया, हम लोग लिखेंगे ट्रिपेट्स क्या था 5, 12 and 30, हमको क्या क्या मिल गया 12 मिल गया 13 मिल गया, बाकी क्या बचा 5, तो ये मस्ट भी क्या हो जाएगा लास्ट वाला 2 × 5, तो आंसर क्या आएगा 11। इतना कम टाइम में ये जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम और ये था एक रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड रिलेशन, सेकंड रिलेशन इज द रेशियो रिलेशन, सेकेंड रिलेशन की तरह रेशियो रिलेशन। ठीक, पहला था पाइथागोरस थ्योरम, सेकेंड है रेशियो रिलेशन। रेशियो रिलेशन में अगर हम लोग रेशियो निकालना है किसी का तो उसमें हमको मिनिमम टू क्वांटिटी चाहिए, तो मिनिमम टू क्वांटिटी दैट मींस अगर एक रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा a:b, एटलीस्ट टू क्वांटिटी चाहिए। दैट मींस अगर एक ट्रायंगल में हम लोग ले जाएंगे, एक ट्रायंगल ले जाएंगे उसमें हमको मिलता है 3 साइड ए बी सी, लेट इसको लिखते हैं एच, ये हो गया बी, ये हो गया बी, इसमें अगर 3 साइड है और 3 साइड में से हमको 2 रेशियो निकालना है तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हो गया एक हो गया पी बाई एच,
मैं इसको जो रेशियो है इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, इसलिए मैं लिखा हूँ पी बाई एच, पहला रेशियो लिखा। इसके बाद और क्या हो सकता है, बी बाई एच, और क्या हो सकता है पी और बी के बीच में रेशियो पी बाई बी। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, हम लोग ये जानते हैं कि ए इज टू बी जो है बी इज टू ए हो रही है कुछ अलग, वैसे ही अगर पी इज पी बाई बी लिखा हूं एक रेशियो तो बी बाई बी दूसरा रेशियो हो सकता है, वैसे एच बाई बी और एक रेशियो हो सकता है, वैसे एच बाई बी और एक रेशियो हो सकता है। तो इसमें से इसका मीनिंग कुछ अलग अलग दिया हुआ है जो कि ग्रीक में मीनिंग है वो सब हमको याद रखना पड़ेगा। P by H इसको बोलते हैं साइन, नेक्स्ट B by H इज द कोसाइन, नेक्स्ट P by B इज द टेंजेंट, B by B इज द कोटेंजेंट, H by B इज द सेकेंड एंड H by B इज द को सेकेंड। तो इसको हम लोग ये हो गया इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा जब इसको हम थीटा, ये थीटा में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, b by h is the sin theta, b by h is the cos theta, next ये tan theta, next ये हो गया cot theta, next sec theta, साइन कॉस टेन कॉट सेट कॉसेट। अगर ये याद हो रहा है तो बहुत बेटर है, अगर एक थोड़ा सा ओल्ड रेशियो हम लोग थोड़ा याद करेंगे तो भी ये थोड़ा क्या होता है तो भी कैसे होता है, अगर ये थोड़ा सा पुराना प्रोसीजर बट अभी भी काम आ रहा है, बहुत इजीली याद हो जाता है। जैसे कि अगर एक लाइन हम लोग याद रखेंगे कि पंडित, ये हो गया पी से, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी मूल सोना चांदी, तो इसको इजीली क्या हो जाता है, ये याद हो जाता है। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी मूल सोना चांदी, तो कैसे याद रखेंगे, पी बाई एच इज द साइन थीटा, b by h is the cos theta and p by b is the tan theta। इसका अगर हम लोग वैसे प्रकार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा h by b, ये h by b, ये हो जाएगा b by p, तो ये sin का उल्टा, ये क्या हो गया h by b था, ये क्या हो गया cos theta, ये हो गया sec और ये हो गया cot। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो सेकेंड रिलेशन रेशियो, इसको बोलते हैं कि रेशियो रिलेशन, तो p by h is the sin theta, p by h is the cos theta, p by b is the tan theta, b by b is the cot theta, h by b is the sec theta, h by b is the cosec theta। तो ये था रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। आज के लिए